Assalamu alaikum, my dear friends. How are you? I am sure that you will be fine. Me, Muhammad Irfan Akil, at the channel of Scholar Academy Gadapur, going to present a video regarding the topic of chemistry, which consists of the topic short way to write the groups of predicate. This lecture will be consist of two parts. In this video, we will only discuss the commonly used groups, how to write the commonly used groups in very short and accurate method. We can say that it is a very trick method. जैसे कि हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल को बुनियादी अहमियत हासिल, चाहे वो मैट्रिक क्लास है, एफएससी क्लास है या फिर हमारी बीएससी क्लास है, हत्ता के मास्टर क्लासेस के लिए भी पीरियडिक टेबल को फंडामेंटल सूचित हासिल है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज कि कॉमनली यूज ग्रुप जो हैं उनको हम एक्यूरेट एंड शॉर्ट मेथड में कैसे लिख सकते हैं। इस अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियड्स को कैसे लिखते हैं। जब हम पीरियड्स और ग्रुप को लिख लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि अगर हमें इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं हैं तो हमने ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर कैसे लिखने हैं। दैट विल आल्सो बी अ ट्रिक। उसमें भी हमें कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक मैजिक रूल बताऊंगा और उस रूल के मुताबिक हम देखेंगे कि पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे लिखे जाते हैं। तो हम आज की वीडियो के आज के हिस्से की तरफ चलते हैं। और आज का हिस्सा है हमारा कि हमारे पास पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, अगर इसके ऊपर हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, यहां पर हम कहते हैं कि ये हमारा ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। तो इनमें हमने एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, इन तमाम ग्रुप्स में हम एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं, हम देखते हैं कि इनमें एलिमेंट्स को लिखने का शॉर्टकट मेथड हमारे पास क्या है। हम इनके चंद अल्फाज बनाकर इनको याद करेंगे। हमारे पास इसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अगर हमें इनके सिंबल्स याद हैं तो हम इन सिंबल्स की मदद से एक वर्ड बनाएंगे। जैसे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसे हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, हालिना की रब से फरियाद, हालिने की रब से फरियाद। ठीक है जी, देखिए पहला ग्रुप है हमारे पास हालिने की रब से फरियाद। इस तरह हम पहला ग्रुप जो है वो तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड ग्रुप के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है हमारे पास इसको याद रखने का, ये हम इस तरह भी कह सकते हैं, बड़ी मज का सर भारा, बड़ी मज का सर भारा। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अगर इस लफ्ज को थोड़ा सा उल्ट करके पढ़ा जाए तो हम ये कह सकते हैं, बेगम बेगम का सर भार। इसको याद करने का तीसरा तरीका भी है, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रास्ता।
बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास है यहां पे, इसको याद करने के लिए हम कहते हैं हमारे पास क्या है, भाई अली गए इंडिया थाईलैंड, भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। तो सगी है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली हम कहते हैं सस्सी गई सिंध पंजाब। देखिए जी सस्सी गई सिंध पंजाब, इसके बाद हम आगे चलते हैं, नाना पापा इसी सब बीमार, नाना पापा इसी सब बीमार। तो इससे हम आगे चलते हैं, इससे आगे है कि ओ एस एस सी ओ सी ओ सी टी पी ओ ओ सी टी पी ओ। तो इस तरह हम पहुंच गए हैं, पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, 13वां ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 जो है वो बड़ा इजी ग्रुप होता है, इसको हम वैसे भी याद रख लेते हैं क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टर। इसके बाद हम आते हैं आखिरी ग्रुप पर, ये जो हमारे पास लास्ट ग्रुप है 18th ग्रुप, इसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। इन नोबल गैसेस को हमने कैसे याद रखना है, वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे हम किसी से मसाज करवा रहे हो ना तो हमें बड़ा सुकून महसूस हो रहा होता है और हम उसे कहते हैं कि और करते रहो, ऐसे ही इसमें भी हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं। हाई नी, जैसे हमारे पंजाबी के अल्फाज हैं, हमें जब कुछ अच्छा लग रहा होता है तो हम कहते हैं हाय नी, और कर हाय नी और कर, उसका नाम रख लेते हैं जिसे हम मसाज करवा रहे हैं, ये उसका नाम है हाय नी और कर जरनी, हाय नी और कर जरनी। इस तरह ये हम सारे के सारे कॉमनली यूज्ड ग्रुप जो हैं उनको मेमोराइज कर सकते हैं, वेरी इजी एंड शॉर्टकट वे हैं जिसकी मदद से हम इन्हें बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनके हमने एटॉमिक नंबर याद किए बगैर कैसे लिखने हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसमें अगर हम पीरियड्स लिखना चाहते हैं तो पीरियड्स कैसे लिखते हैं, और इसके अंदर अगर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी नाम लिखने हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। इंशाल्लाह हम अपने अगले वीडियो में इसको मुकम्मल करेंगे, ये मुकम्मल पीरियडिक टेबल और उसके एटॉमिक नंबर जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।